हांगकांग का वीजा अप्रूवल पहले हासिल करें और एम्बेसी फीस बाद में जमा करवाएं। जी हाँ व्यूवर्स, आपने बिल्कुल सही सुना कि इसका वीज़ा अप्रूवल जो है लेटर पहले आपको मिलेगा और फिर आप वीज़ा फीस जो है जमा करवा सकते हैं। अगर आप भी हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल भी स्किप मत करें। मैं कोशिश करूँगा टू द पॉइंट बात करूँ, लंबी वीडियो ना हो, इसलिए वीडियो को स्किप मत करें ताकि तमाम तर पॉइंट जो है वो आपके सामने क्लियर किए जा सके। सबसे पहले तो बात की जाए कि हांगकांग जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जॉब आपको बहुत ईजीली मिल सकती है और यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। और अगर आप गल्फ कंट्री का रुख कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इससे इसकी नस्बत जो है आप हांगकांग की तरफ रुख करें और इसकी वीज़ा रेशियो जो है वो भी काफ़ी अच्छी है अगर आपकी एक या दो ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री है। सेकेंडली, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप अच्छी सैलरी वहाँ से तकरीबन 1.5 से 2.5 लाख ईज़िली अर्न कर सकते हैं। और अगर आप हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तो इसके यहाँ से दो तरीक़ेकार हैं। पहला तरीक़ाकार जो है वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा लेकिन बता ही देता हूँ, दूसरे तरीक़ाकार पे भी रोशनी में डालूंगा, आप काइंडली तमाम तर जो है पॉइंट्स क्लियरली सुनिएगा। पहला तरीक़ाकार इसका ये है कि आप जब इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो चूँकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो आप चाइनीज़ एम्बेसी को अपना केस फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसकी फ़ीस जो है आपको चाइनीज़ एम्बेसी में एडवांस पे करना पड़ेगी। लेकिन चूंकि इसकी वीज़ा रेशो अगर आप चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस करवाते हैं तो ठीक नहीं है। सेकंडली, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी ज़रूरत होती है, वो इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है हांगकांग से अगर आप चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस करवाते हैं, तो वीज़ा रेशो भी ठीक नहीं, इन्विटेशन लेटर भी चाहिए और सेकेंडली एम्बेसी की फ़ीस भी $300 आपको एडवांस में पे करनी पड़ती है, तो मैं ये तरीका आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीक़ाकार से, दूसरा तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है, पासपोर्ट है, आईडी कार्ड की कॉपीज़ हैं, तस्वीर हैं, FRC है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं आपके, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आप अपने स्कैन करेंगे, पासपोर्ट की कॉपी स्कैन होंगी और दूसरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप ओरिजिनल लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ओरिजिनल लगाएंगे, FRC की कॉपी ओरिजिनल होगी, तस्वीर जो है वो आप लगाएंगे और इसके बाद आपकी एक फ़ाइल बनेगी। ये फ़ाइल बनने के बाद आपने इनके एड्रेस पे जो है वो सेंड करने होंगे अपने डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल पासपोर्ट याद रहे नहीं जाएगा, पासपोर्ट की स्कैन कॉपीज जाएंगी, पहले पेज की कॉपी, दूसरे पेज की कॉपी, जहाँ जहाँ पे वीज़ाज लगे हैं उनकी कॉपीज़ और जहाँ जहाँ पे इन आउट की स्टैम्प्स लगी हैं इनकेस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उनकी कॉपीज़ भी लगेंगी। इनका कंप्लीट एक सेट बनेगा, कंप्लीट सेट बनने के बाद DHL के थ्रू इनकी एम्बेसी को डायरेक्ट यहाँ से कोरियर सर्विस के थ्रू सेंड किए जाएंगे और फिर क्या होगा कि वो आपको एक लेटर भेजेंगे कि हमने आपका वीज़ा जो है वो प्रूव करना है, आप ऐसा करें कि फ़ीस जमा करवाएं और फ़ीस जमा करवाने के बाद आप वहाँ से आपको एक वो आएगा, स्टिकर आएगा, इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, वहाँ से एक स्टिकर बाय कोरियर आता है आपके घर पर और वो स्टिकर आप वहाँ से उतार के अपने पासपोर्ट पर पेस्ट कर लेते हैं। इसका वीज़ा जो है लेना कंपैरेटिवली आसान है उन लोगों के लिए जिनके पास एक या दो ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री है, NTN बना हुआ है उनका, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है। काइंडली वही लोग रब्ता करें जिनके पास बैंक स्टेटमेंट है, इसका वीज़ा विदाउट बैंक स्टेटमेंट नहीं अप्लाई किया जा सकता और ना ही हमारे पास कोई ऐसा तरीक़ाकार है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें यही कहते हैं जी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं, काइंडली हमारा वीज़ा लगवा दें। हमारे बस में हो तो हम सभी का वीज़ा लगवा दें लेकिन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट पूरी करना ज़रूरी है। अगर आप हांगकांग का वीज़ा हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी भी आपको प्रोवाइड की जाए तो आप इस दिए गए नंबर पर ऑफिस टाइम पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमेशा की तरह आपको प्रॉपर और वैलिड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, चैनल को लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।